डैडी। सुरजीत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी बिटिया, रानी बिटिया ठहरो। जीत की कमजोरी दौलत है, औरत नहीं। कमाल है, मैंने तो सोचा था कि तुम बेसहारा होकर मेरे पास आओगी, रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, मेरे पांव फड़ोगी। मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, एहसान फरामोश कमीने। शट अप। जब तुम्हारे बाप ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए तो तुम्हारे कान पर जूं तक न रहेगी। आज तुम्हारा खून खौलने लगा क्या? इसीलिए कि तुमने फ्रॉड किया है, धोखे से पेपर साइन करवाए हैं। मेरी डैडी की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। ये बात है तो जानेमन मेरा खून करके ये इंजाम अपने सर पर क्यों लेती हो? किसी बैरिस्टर के पास जाओ, कानून का दरवाजा खटखटाओ, मुझे अदालत में बुलवाओ। जरूर बुलाऊंगी, लेकिन तुझसे सबूत हासिल करने के बाद। सबूत? और मुझसे? अपनी खैर मनाओ जाने मन, इस वक्त तो तुम भी मेरे जाल में फंस चुकी हो। मैं फड़फड़ाकर पिंजरे में दम तोड़ने वाली नहीं रंजीत, मैं वो पंछी हूँ जो अपने साथ साथ तुम्हारे जाल को भी ले उड़ूंगी। बहुत नाज है अपने परों पर। चलो ये भी देख लेते हैं। एक तरफ ऐसा बास है जिसके पंजों से आज तक कोई परिंदा नहीं बच सका, और दूसरी तरफ एक ऐसी चिड़िया है जिसका दावा है कि वो साथ में जाल भी ले उड़ती है। जरा देखें। ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये? बास। इडियट, तुमसे एक सैंडल नहीं संभाली जाती। दिनो, कल से मुझे इसकी जगह दूसरा नौकर चाहिए। जी मालकिन,
दीनो जी कहाँ जा रहे हो? ऊपर मालकिन। मालिक नीचे जा रहा है और तुम ऊपर जा रहे हो? भूल हो गई सरकार, भूल हो गई। ठहरो जी। नौकर आगे आगे जाएगा और मालिक पीछे पीछे उतरेगा। जैसे आप हुक्म करें सरकार। कूजो। कूजो? टांगे टूट जाएंगी ना जी, सोने की बनवा देंगे। कूजो जी। ठहरो जी। तुम कूद रहे थे? बेवकूफ कहीं के जी। हे भगवान, अरे तुम जाओ अपना अपना काम करो। रामो, दीनो, हरिया, चंपा, हमारे कमरे में मिट्टी का भगवान किसने रखा है? हटा दो इसे। आप इंसान को तो इंसान नहीं समझती, लेकिन भगवान को तो भगवान समझा कीजिए। मिट्टी के भगवान की पूजा तुम जैसे लोग करते हो, हम जब भी पूजा करते हैं सोने के भगवान की करते हैं। मिट्टी ही सोना उगलती है मालकन। शट अप, हम छोटे लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, समझे? शाबाश बेटी, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने मिट्टी का भगवान तुम्हारे कमरे में रखवा दिया और तुमने साबित कर दिया कि ऊंचे लोगों के खिलाफ भी हमेशा ऊंचे ही होते। ये लो सोने का भगवान। थैंक यू डैडी। धनीराम जी, मैंने अक्सर नोट किया है कि जब भी बैंक से पैसा निकलवाना होता है आप खुद ही तशरीफ लाते हैं। बात यह है मिस्टर शेट्टी, जहां तक पैसे का ताल्लुक है मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, और ये एक ऐसी आइटम है जो ईमानदार को बेईमान बनाने में बहुत मदद करती है। आई थिंक यू आर राइट। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू। वेलकम अगेन। Thank you.
लीजिए आपका बैग। थैंक यू वेरी मच यंग मैन। सुनो, बहादुर भी हो नौजवान भी, फिर यह हालत? बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश है। ओ, कुछ पढ़े लिखे हो? डबल एम ए। लगता है जरूर से ज्यादा ईमानदार। लेकिन इस ईमानदारी ने मुझे क्या दिया है? भूख, प्यास, दर बदर की ठोकरे। ठीक है, तो गरीबी की आग में जलकर इंसान या तो कुंदन बन जाता है या कोयला। हमारे साथ काम करोगे? हमें तुम जैसे बहादुर नौजवान की जरूरत है। लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? वही जो हम सिखाएंगे। थैंक यू सर। सर नहीं, तुम चाहो तो मुझे आज से अंकल कह सकते हो। थैंक यू। आओ मेरे साथ। सफर नहीं तो क्या काम इस जहां से, मंजिल की जुस्तजू से, राहों से कारवां से। गर हम सफर नहीं तो क्या काम इस जहां से। मैं
राहों से कारवां से, गर हम सफर नहीं तो क्या काम इस जहां से। शर्मा जी है? साहब आपको बुला रहे हैं। ओ, आता हूं। यस सर। मिस्टर शर्मा, आप इस कंपनी में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? यही कोई 10-11 बरस से। मैं कितने बजे ऑफिस आ जाता हूं? ठीक 10 बजे सर। कभी एक आध मिनट लेट? नो सर, आपकी एंट्री पर तो स्टाफ के लोग अपने अपने घड़ी का वक्त मिलाते हैं। वेरी गुड। तो फिर आपको कितने बजे ऑफिस आ जाना चाहिए? आना तो 10 बजे चाहिए सर, लेकिन आज पहली बार मुझसे यह गलती हुई है कि मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया हूं। रंजीत बेटे, प्लीज कम टू माय केबिन। गलती पहली हो या आखिरी, गलती गलती है। यस अंकल। रंजीत बेटे, शर्मा जी आज 10 मिनट लेट आए, क्या करना चाहिए इनका? सीधी सी बात है, इनकी एक दिन की तनख्वाह काट लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम गरीब लोग एक एक दिन का हिसाब जोड़कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। और हम एक एक मिनट का हिसाब जोड़कर इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं शर्मा जी, आप समझते क्यों नहीं? लेकिन देखिए शर्मा जी, आपके एक दिन के पैसे काट लेने का मतलब ये नहीं कि उससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और या अंकल और अमीर होने वाले हैं। ये सजा तो सिर्फ इसलिए है कि आप आइंदा एक सेकंड भी लेट ना हो, क्या अंकल? एब्सोल्युटली राइट। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी नाम का लफ्ज हमारी डायरी में नहीं है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, गेट आउट। रंजीत,
आज मैं बहुत खुश हूं, अब तुम कारोबार चलाने के काबिल हो गए। थैंक यू अंकल, ये सब तो आप ही से सीखा है। हाय सुमन। हाय, हाउ आर यू? आई एम ओके, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुमन, हाँ चलो वापस चले। क्यों, क्या हुआ? क्या पार्टी क्या पिकनिक, जहाँ देखो ये कमलेश का बच्चा मौजूद रहता है। तू खुश नसीब है सीमा, कॉलेज की सभी लड़कियाँ उस पे मरती है, लेकिन वो सिर्फ तुझ पे मरता है। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा दौलत में हूँ। तुझे तो दौलत का मिनिया हो गया है, और तुझे मोहब्बत का। जाने मन, मोहब्बत करना इंसान का पैदाइशी हक है। तेरा मतलब है कि मैं उस आदमी से प्यार करूं जो अपने घर से पैदल चल के आता है? बेशक, जितने भी कार वाले हैं सब उसके सामने बेकार हैं। अगर तुझे इतनी ही हमदर्दी है तो तू खुद क्यों नहीं प्यार कर लेती? मैं तो उसे दिल जान से चाहती हूँ, लेकिन वो कमबख्त सिर्फ तुझ पे मरता है। क्यों, अपनी बारी आई तो सबकालत भूल गई? वकीलों से गुजारिश की जाती है जो कुछ कहना हो भरी महफिल में। चल सीमा, नहीं छोड़ ना, कम ऑन नाउ, फॉरगेट इट, कम। दोस्तों, आज की महफिल को रंगीन बनाने के लिए मैंने एक आइटम सोचा है, और मुझे यकीन है आप सबको भी आइटम बहुत पसंद आएगा। कौन सा आइटम? आइटम है मुकाबला, कमलेश और सीमा के बीच, दौलत और मोहब्बत का। लेकिन पहल कौन करेगा? टॉस करते हैं, चेंज है दो। बोल, हेड या टेल? ऑफ कोर्स हेड, टेल तो हम किसी की पकड़ते ही नहीं। ओपो, टेल। कमलेश, पहल तुम करोगे। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे हिस्से में मोहब्बत आई, लिहाजा मैं इस मुकाबले को शाहजहां की बेपनाह मोहब्बत की यादगार ताजमहल से शुरू करता हूं। मुझे नाज है कि मेरे हिस्से में दौलत आई है, लेकिन अगर शाहजहां के पास इतनी बेशुमार दौलत ना होती तो ताजमहल तो क्या, उसका ख्याल भी उसके दिल में नहीं आता। शहजादा सलीम ने अनारकली की मोहब्बत के लिए अपना तख्त ताज टुकड़ा दिया था। बेचारी अनारकली भी अगर कोई शहजादी होती तो अकबर आजम की उसे दीवार में चुनवाने की हिम्मत नहीं होती। अगर फरहाद के दिल में मोहब्बत का जज्बा ना होता तो कयामत तक पहाड़ों का सीना चीर कर दूध की निहार निकालने में कभी कामयाब ना होता। बदनसीब फरहाद, अगर वो भी शीरी की तरह किसी मुल्क या जागीर का मालिक होता तो उसे जिंदगी भर पत्थरों से सर तोड़ने की नौबत कभी ना आती। मोहब्बत का दम भरने वाले रांझा और महीवाल का क्या हश्र हुआ? दौलत पे इतराने वाले सिकंदर और चंगेज का क्या हश्र हुआ? दौलत से आन बान शान है, मोहब्बत से दिल दिमाग ईमान है। दौलत की ख्वाहिश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर इंसान में है। मोहब्बत का दर्स गीता ग्रंथ इंजिल और कुरान में है। तालियां। अगर दौलत ना होती तो इंसान चांद तक ना पहुंचता। अगर मोहब्बत ना होती तो इंसान भगवान तक नहीं पहुंचता। दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन जब मौत आती है तो सारी दौलत थरी के थरी रह जाती है। इसलिए कि मोहब्बत में वो ताकत है जिसकी बदौलत सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस छीन लिए थे। तालियां। मोहब्बत में वो जोश है कि सिपाही अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। मोहब्बत एक ऐसा पाक रिश्ता है जो दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है। मोहब्बत माँ की ममता है, बाप का फर्ज है, बहन की शफकत है, भाई का प्यार है। कामयाबी के नशे में अपनी औकात मत भूलो। सीमा से मिलकर आ रही है? हाँ। कैसी तबीयत है? तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन कल के हार का ऐसा शौक लगा है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं माफी मांग लूं उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
जमाने में मोहब्बत का अजब दस्तूर देखा है, उधर नफरत ही नफरत है, इधर चाहत ही चाहत। उससे नफरत करने की वजह मेरी गरीबी है सुमन। गरीबी और अमीरी का मिलन तो मुमकिन है कमलेश, मगर सीमा के ख्यालात बदलना नामुमकिन है। और फिर कॉलेज में और भी तो लड़कियां हैं जो तुम पर तन मन धन अपना सब कुछ निछावर कर सकती हैं। पर मैं सीमा पर अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सुमन, मुझे उसके पास ले चलो। दिल तो नहीं चाहता, मगर तुम्हारा दिल भी नहीं टूट सकती। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आओ चलें। आओ कमलेश, आओ। हाय सीमा। सुमन, इस भिखारी को साथ क्यों लाई हो? सीमा, घर में दुश्मन भी आते हैं तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। फिर ये तो तुमसे माफी मांगने आया है, ये मुझे चलाने आया है। ये जानता है कि मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, फिर भी ये मनुष्य की तरह मेरा पीछा क्यों करता है? सीमा, जिस दौलत पे तुम इतना गुरूर कर रही हो वो एक चलती फिरती माया है जिसका कोई भरोसा नहीं। इसमें सीमा का कोई कसूर नहीं है सुमन, क्योंकि इस धरती पर हमेशा दौलत ने ही नफरत के बीच बोया और गरीबी ने अपने खून से सींच कर उस जहरीले दरख्त में भी मोहब्बत के फल उगाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने खून से सींच कर मेरी नफरत को भी मोहब्बत में बदल सकते हैं? बेशक, एक मौका तो दो। फर्ज करो तुम्हें एक मौका दे भी दिया, फिर भी ये सवाल ही नहीं उठता कि तुम मेरी पसंद के मुताबिक मुझे आलीशान घर में रख सको, मेरे लिए कीमती जेवरात बनवा सको, और ये भी नहीं हो सकता कि मुझे शानदार गाड़ी में घुमा सको, इसलिए कि तुम फटीचर हो। ये सच है कि मैं गरीब हूं सीमा, लेकिन मोहब्बत की दौलत से मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। और मैं तुम्हारी राह में अपनी आंखें बिछा दूंगा। और मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। और मैं तुम्हारे लिए घर बार माँ बाप सब कुछ छोड़ दूंगा। और मैं तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक दे दूंगा सुमा। वो पढ़ाई छुरा खोखली सीमा, डोंट बी स्टूपिड, क्या पागल हो गए हो? तुम क्या समझती हो वो सचमुच छुरा घोंप लेगा? हाँ सुमन, कहने और करने में बहुत फर्क होता है, समझी? कमलेश, 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 क्या किया तुमने? क्या किया कमलेश? चलो चले चलो। कमलेश, मैं तो डर ही गई थी कहीं सचमुच तुमने। नहीं सुमन, नहीं, सीमा तो बहुत खुश हो गई। चलो मुसीबत तो टली। क्या अभी तुम उसे? हाँ सुमन, जैसे जैसे सीमा के दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती जा रही है, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत। समझ में नहीं आता क्या करूं, सीमा को पाना मुश्किल है और उसे भूलना नामुमकिन। गलत माहौल और गलत परवरिश की वजह से सीमा भटक गई है। उसकी नजर में प्यार, मोहब्बत और इंसानियत से ज्यादा दौलत की अहमियत है, जो मेरे पास नहीं है। हिम्मत ना हारो कमलेश, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, तुम्हें हारा हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम दोनों का मिलन कराऊंगी। मुबारक अंकल। किस बात की? केस जीतने की। कौन सा केस अंकल? शायद आपको याद नहीं, पिछले साल जिस मजदूर का हाथ मशीन से कट गया था वो केस हार गया है। अब हमें उसे एक पैसा देने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। अच्छा रंजीत, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ सोचा तुमने? हाय डैडी। हेलो सीमा। रंजीत, हाय, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। सीमा जी, 10,000 रुपए तुम्हारे लिए। लेकिन डैडी, मैंने तो सिर्फ 5,000 मांगे थे। हाँ, ये 5,000 रुपए इसलिए ज्यादा है कि राकेश लंदन से वापस आ गया है और आज रात को 8 बजे तुम्हें उसे नेशनल क्लब में मिलना भी है। थैंक यू डैडी। वेलकम। ओके, सी यू। सी यू। हेलो सुमन। हाय, हाउ आर यू? काश ये मगरूर कदम यहाँ आने के बजाय
कमलेश की चिता तक पहुंच जाते तो शायद मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाती। अरे तू तो पागल है, ऐसे तो दिन में कोई 50 मजनू मरते हैं। तू क्या चाहती है, मैं जाकर हर एक की चिता को आग लगाऊं? बुद्धू, फिल्मों में नहीं देखा, ये तो गरीबों की चाल होती है, जब किसी अमीर लड़की को देखते हैं अपने प्यार का जाल बिछा देते हैं, फंस गई तो सोने की चिड़िया, नहीं फंसी तो मर के बदनामी। तेरे सीने में दिल नहीं सीमा, पत्थर है पत्थर। डोंट बोर मी यार, अच्छी खासी खुशखबरी सुनाने आई थी, सारा मूड ऑफ कर दिया। तेरा मूड ऑन ही कब रहता है, चल सुना क्या खुशखबरी है। मैं शादी कर रही हूँ। हाँ? शादी किससे? नाम राकेश है और कारोबार करोड़ों का। राकेश, तूने लड़का देखा है? मैंने नहीं, डैडी ने देखा है। शादी तू कर रही है और लड़का देखा है तेरे डैडी ने? अरे इसलिए तो तेरे पास आई हूँ, आज शाम को 8 बजे वो क्लब में आने वाला है, पसंद आया तो सिलेक्ट वरना रिजेक्ट। करेक्ट। ओके चलो तैयार रहना। हाँ बाय, सी यू। और जब तुम ये विग पहन लोगे तो खुद भी अपने आप को नहीं पहचानोगे। लेकिन सुमन, सीमा को अगर इसके बारे में पता चल गया तो? तब तक तो वो खुद भी बदल चुकी होगी। सुमन, ये हमदर्दी, मुझ पर बगैर किसी मतलब के ये पैसा खर्च करना, कभी कभी मैं सोचता हूं तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कमलेश, जिनका कोई नाम नहीं होता। तुम सचमुच देवी हो कमलेश, अब तुम प्रिंस राकेश हो, मेंटेन योर डिग्निटी, ये लो और सीमा का दिल जीतने की कोशिश करो। चलो ये क्या कर रही हो सुमन, अपने ही हाथों अपने अरमानों का गला घोंट रही हो, अपना प्यार दूसरों को सौंप रही हो, अपने ही प्यार का खुद बलिदान दे रही हो। प्यार का दूसरा नाम ही बलिदान है। ओहो, इतनी देर हो गई, ना जाने क्या कर रहा है राकेश। सुनता कहाँ है, कानों में तो रुई दे रखी होगी। राकेश लंदन पढ़ने के लिए भजा, ना जाने क्या पढ़ के आया है। अबे राकेश, और सुनता कहाँ है, भगवान जाने किस मनहूस घड़ी में इसका जन्म हुआ था। अबे राकेश, अबे राकेश। कमिंग डैडी। डैडी, डैडी। अबे डैडी के बच्चे, अगर ये कपड़े पहनकर बाहर जाएगा तो लोग तुझ पर हंसेंगे। आओ डैडी। आप क्या समझते मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊं जिनको देख के लोग रोए? नो डैडी नो। आदमी वो जो लोगों को हंसा सके, चाल वो जो लोगों को फंसा सके। डैडी अपन किसी को कॉपी नहीं करता, अपना ओरिजिनल स्टाइल है डैडी। एंड यू नो लास्ट टाइम जब मैं लंदन में था। अबे लंदन के लंडूरे, आर तो यहीं बच गए, क्लब कब जाएगा? डैडी आपके घड़े में 8 बजे होंगे, लेकिन हमारी घड़ी में 7:45 हैं, और ये कभी गलत टाइम नहीं दे सकती क्योंकि ये लंदन के विक्टोरिया क्लॉक टावर के साथ मिली हुई। हाय पपा पपा। अबे गधे। यस डैडी। अबे क्लब में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो ये रिश्ता भी टूट जाएगा, जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। डोंट वरी ओल्ड मैन, अगर तुम्हारा शादी हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। लड़की का नाम याद है? ओह यस डैडी, लड़की का नाम है बीमा। अबे बीमा नहीं सीमा। ओह डैडी आई एम सॉरी, बाय बाय। बैठो। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं किया है ना? नहीं किया ना, अभी करना है। अब बाप को भी याद कर ले। अरे जूलियट की गोद में रोमियो नहीं, रोमियो की गोद नहीं, जूलियट की गोद में रोमियो, ये ड्रीम है? सच है? स्टूपिड। थैंक यू। उठिए उठिए। उठ गया।
ये सच है। सीमा क्या? बड़ी धीरे यार तू, हर किसी को थप्पड़ मार देती है। कभी किसी दिन किसी ने तुझे थप्पड़ मार दिया? अरे जा जा, मुझे थप्पड़ मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। कितने बजे? 8:30। 8:30 चल। समझता क्या है अपने आप को? अगर वो बड़े बाप का बेटा है ना, तो मैं भी किसी ऐसी वैसी की बेटी नहीं हूँ। 30 मिनट में ही थक गई। अरे इस 30 मिनट के बदले ना 30 चक्कर लगाऊंगी, समझे? पर 5 मिनट चल। जी मॉय, तुम जैसी हर लड़की अपने ख्वाब में मुझे देखा करती है। मुझे सी? आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देती हूँ। यह हाथ पापड़ बनने के लिए है मैम साहब, झापड़ मारने के लिए नहीं। बदतमीज, उठा मेरा पर्स। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। इस बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगी, हटो मेरे रास्ते से। फिर से हटना मर्दों की शान के खिलाफ है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? अगर डैडी से कह के तुम्हें जेल ना भिजवाया तो मेरा भी नाम सीमा नहीं। इससे पहले अपनी जबान को लगाम दो मैम साहब, कोई सरफिरा मिल गया तो यह सुंदर चौकटा ढीला कर देगा। मुझे नसीहत दे रहे हो? बदतमीज, लोफर, लफंगे। माय गॉड, राकेश लंदन से कब आए? अरे जालिम, तुम्हारे बिना तो क्लब होने की नहीं। तो ये है मिस्टर राकेश, बड़ा मजा आएगा। तूने ठीक ही कहा था, करोड़पति हो ना हो, करोड़ों में एक जरूर है। क्या शान है, क्या मर्दान है, क्या मन। कैसे हो रहे? पता नहीं मालिक, जब से रानी बिटिया बाहर से आई हैं, बराबर तोड़फोड़ कर रही। जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई होगी। हमसे भूल हुई होती मालिक तो तोड़फोड़ की बजाय हमारी शक्लें बदली हुई होती। I'm sorry daddy. Never mind darling. क्या बात है आज हमारी बेटी का मूड हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हमें मुझे बताओ। बेटी तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। अरे यार मैंने भूल ही गया था, वो राकेश से मुलाकात हुई? जी हाँ। कुछ बात हुई? नहीं। पर कोई बात नहीं, आज मुलाकात हुई है तो कल बात जरूर हो जाएगी। वो एक कौन सुबह सुबह बोल कर रहा है? हेलो, मैं सीमा बोल रही हूँ। लगता है उस साले करोड़पति की याद ने तुझे रात भर सोने नहीं दिया। उसकी याद में नहीं, बल्कि इंतकाम की आग में मैं रात भर चलती रही। मैं उस कमीने से बदला जरूर लूंगी। बदला? तू उसे बदला नहीं ले सकती। क्यों? इसलिए कि वो हर बात में तुझसे भारी है। देखना, अगर तू औरत है तो वो मर्द है, तू अगर लखपति है तो वो करोड़पति है। अगर तू अपने आप को महताब समझती है ना, तो बखुदा वो भी आफताब है। होगा मेरी जूती से। आज मैं भी उसे बता दूंगी कि सीमा के मुंह पे तमाचा मारने वाले का अंजाम क्या होता है। लेकिन देखिए क्या, जो कुछ भी करूंगी तो क्लब में आकर अपनी आंखों से देख लेना। Ha 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 ha
आधे घंटे से इंतजार करते करते बोर हो गई हूँ और दूसरा लल्लू भी नहीं आया। अरे लेकिन तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तू तो बदला लेने आई है ना उसे? नहीं सुमन, अब मैं उसे बदला नहीं लूंगी। क्या नहीं लेगी? मैं उसे माफी मांगने आई हूँ। डोंट टेल मी, सीमा बोल रही है क्या? वो तेरा टेलीफोन पे गरजना। अच्छा बता, वो नाटक था या ये ड्रामा है? हु? सुमन, वो भी हकीकत थी, ये भी हकीकत है। जिस राकेश से मैं बदला लेने आई थी, आज उसे मेरी इज्जत बचाई है। क्या बात कर रही है? मैं सच कह रही हूँ सुमन। अच्छा तो अब क्या इरादा है? कुछ नहीं। जी हाँ, समझ गई, बिल्कुल समझ गई क्या इरादा है। तू उसे बदला नहीं ले सकती, वो हर बात में तुझसे भारी है। अगर तू औरत है तो वो मर्द है, तू अगर लखपति है तो वो करोड़पति है। अगर तू अपने आप को महताब समझती है ना, तो बखुदा वो भी आफताब है। क्या बात है सीमा, अभी तक सोई नहीं? क्या सोच रही? राकेश के बारे में सोच रही थी। क्या फैसला किया तुमने? लड़का मुझे पसंद है। वेरी गुड, तो फिर हम कल ही दौलत राम के घर जाकर दावा बोल देते हैं और तुम्हारी शादी की तारीख तुम्हारे सामने मुकर कर देते हैं। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। भाई मान गए, तुम नाम के नहीं जुबान के भी धनी हो। दौलत राम, जब लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं तो भला हमें इतराज क्या हो सकता है? लेकिन तुम्हारे साहबजादे हैं कहाँ? जरा उन्हें तो बुलाओ। लीजिए वो आ गया। पतम पतम पम पम पतम पपा पपा पपा। तभी ये बंदर यहाँ कैसे आया? हाँ, ये क्या कह रही है? ये तो राकेश है। ये वो राकेश नहीं है जिसे मैंने पसंद किया है। ये वो राकेश नहीं है? नहीं। दरवान, ऐसा लगता है कहीं कोई गलत फहमी हो गई है। चलिए डैडी। डैडी डैडी राम, मेरे ही घर में आकर मेरी और मेरे बेटे की बेइज्जती कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। दौलत राम, इसमें बुरे लगने वाली कोई बात नहीं। मैंने तो पहले कह दिया था कि ये शादी तब होगी जब मेरी लड़की को ये बात पसंद हो, और जब उसे पसंद नहीं तो मैं भला उसमें। अब चलिए जल्दी। धनी राम जी, सीमा नादान है, तुम तो समझदार हो। मैंने भी मेरे बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। वो खूबसूरत है, जवान है, लिखा है, पढ़ा है, आखिर कौन सी कमी है मेरे बेटे में? दौलत राम, आई एम वेरी सॉरी, I can't help it. दंगामी, जाने दो, डैडी जाने दो, let it go. Listen, जिस लड़की ने पहली मुलाकात में एक थप्पड़ मार के मेरा मुंह टेढ़ा कर दिया, वो शादी के बाद तो मुझे मार मार के भुर्ता बना देती। डैडी, सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि ये दूसरा राकेश कौन है। वो कौन है क्या है ये पूछना काम तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ इतना बताओ काम हुआ कि नहीं। That's very good. सुमन, राकेश को कुछ पता चला? हिम्मत ना अगर हारे इंसान तो मंजिल का पता मिल जाता है, और मंजिल तो क्या चीज है, ढूंढे से खुदा भी मिल जाता है। सुमन चल, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं, आगे फिर तेरा नसीब। चल आइए। आप लोग अंदर तशरीफ रखिए, मैं अभी आया। क्या देख रही है? चल बैठ।
लीजिए शॉप फरमाइए। तुमने पूछा भी नहीं कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और हमारी खातिर करनी शुरू कर दी। वो हमारे साहब का हुक्म ही ऐसा है कि क्या करें। साहब का है? क्यों, आप लोगों को टाइम दिया था मिलने का? क्यों, तुम्हारे साहब से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। जी हाँ, हमारे साहब का कारोबार इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि आज हिंदुस्तान है तो कल ईरान। लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त वो माथेरान गए हुए। कब तक लौटेंगे? हमारे साहब का कोई भरोसा नहीं, आ जाए तो आज ही आ जाए, वरना एक महीने बाद भी आ सकते हैं। चल सुमन, चल। तो आपके लिए कोई पैगाम? नहीं, हम उनसे खुद ही मिल लेंगे। चल चल। अब क्या करें सुमन? करना क्या है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। महाबलेश्वर की खुशगवार फिजा होगी, वो होगा, तू होगी, और आगे जो कुछ होगा आके बता देना। क्या मतलब? तू नहीं चलेगी? अरे यार, मैं क्या करूंगी उधर आके? ले, फिर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? देख भाई, जो कुछ करना था मैंने कर दिया, आगे तेरा काम, चल चले। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अपना हक मांगना तो कोई गुनाह नहीं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं बांधूंगा। तुम लोग काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर जी। श्याम, तुमने बात करनी है? आप इसमें लीडर का भूत कब से सवार? क्या भाषण दे रहे थे? जिसके घर खाने को राशन ना हो वो भाषण क्या देगा सर जी? मेरे पिताजी ने इस फैक्ट्री में काम करते करते अपना पसीना ही नहीं खुद भी बहाया है, उनके दोनों हाथ कट गए। इसके बदले में आपने क्या दिया? तुम्हें नौकरी दी है। लेकिन ये तो ठीक है। देखो श्याम, तुम एक पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार लड़के, मेरे ध्यान में तुम ऐसे बेवकूफ और अनपढ़ लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे हो या अनपढ़, तकलीफ दोनों की बराबर होती है। हाँ, लेकिन हर तकलीफ की वजह होती है। वजह यह है, जो तनख्वाह हमें मिलती है इसमें हमारा घर नहीं होता। कितने बहन भाई हो? जी चार। ओह, कमाने वाला एक, खाने वाले अनेक, तकलीफ तो लाजमी है। एक काम क्यों नहीं करते, अपने एक बहन और भाई को अनाथ आश्रम में भेज। सर जी, अभी मैं जिंदा हूं। मैं मरने के लिए तो नहीं कह रहा, इतने कह देने काफी होगा कि इन बेचारे बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं। हम गरीब जरूर है सेठ, मगर ऐसा पाप नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये काम हम करवा देंगे। दौलत ने आपके मन से प्यार छीनकर पाप भर दिया है। दौलत ने आपको आदमी से राक्षस बना दिया है, मगर ये मत भूलिए, राक्षस का हमेशा सर्वनाश हो जाता है। जिन गरीबों का खून चूस चूस कर आपने तिजोरी भरी, एक दिन ही गरीबों की हाय आपको खा जाएगी, आपको तबाह कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। ये कौन थे रेडी? पागल, गरीबी ने उसका दिमाग खराब कर दिया। अगर मैं आपको राकेश की बेशुमार दौलत और फैले हुए कारोबार के बारे में बताऊंगी ना, तो आप ही दंग रह जाएंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी बेटी का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन हमें तो मिलना उनसे। उनसे मिलने आपको माथेरान चलना होगा। माथेरान सी मानो चांस, तुम तो जानती, मैं बहुत बिजी हूँ। एक काम हो सक, तुम चले जाओ, उसे लेकर यहाँ आ जाओ, और उसके बाद हम तुम्हारी शादी और इनसे पेशतर उसके साथ कर दे। ओह माय स्वीट डैडी। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग, मेरा नाम सतीमा है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। जी हाँ, थोड़ा रूम बुक है, सेकंड फ्लोर रूम नंबर 202। थैंक यू। मिस्टर राकेश इसी होटल में ठहरे हैं? आपका मतलब है प्रिंस राकेश? हाँ जी। जी हाँ, इसी होटल में ठहरे हैं। कौन से रूम में है? रूम तो मैडम आपको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जब भी वो आते हैं पूरा फ्लोर बुक कर लेते हैं, इस वक्त उन्होंने टॉप फ्लोर बुक किया है। इस वक्त होटल में है? जी नहीं। अच्छा, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। जरूर। थैंक यू। तुम्हारा हाल है?
जड़ी भी कुड़ी आंदी है प्रिंस नू पूछ दी है और किंग नू कोई पूछदा ही नहीं है। तिजोरी खुले अंदर से तुम मेरी दौलत क्या चाहते हो? नहीं नहीं सेठ, ये तुम्हारी दौलत नहीं, ये तो गरीबों की अमानत है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ बरामदा। कल जो रुपए मैंने बैंक से इसलिए निकलवाए थे कि कल तुम्हारे वर्कर्स को तीन तीन मिनट का बोनस दिया जाएगा। अब और कोई चालाकी नहीं चलेगी सेठ, ये नोट मेरा हवाले करो जल्दी, और नए की गोली से आपकी दोनों आंखें बंद हो जाएगी। और एक एक पैसा जोड़ने की फिक्र में हूं और तू सारा माल हड़प करके भागना चाहता था। अंकल अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपने पुलिस को फोन किया तो मेरे साथ आप और आपका काला धन भी अंदर जाएगा। लेकिन जी वो लाश। ओफ अंकल यू कमांड सिट डाउन रिलैक्स, उस लाश को मैं ठिकाने लगाऊंगा। प्लीज सिट डाउन। अंकल मेरी बात सुनिए, आपकी तालीम और मेरे दिमाग ने मिलकर एक ऐसी सूरत पैदा कर दी है कि मैंने आपके बोनस का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच? हाँ अंकल, आपने देखा नहीं कि मैं कितना प्रैक्टिकल आदमी हूँ? वो तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। रंजीत बेटे उम्र पारा मेरे सर का सारा बोझ लिखा कर। अंकल ये उम्र बोझ उठाने की नहीं आराम करने की है, और फिर मैं तो धीरे धीरे आपके सर के सारे बोझ उतारना चाहता हूँ। बताओ कहां साइन करना है? अरे अंकल पढ़ तो लीजिए। नहीं नहीं तुम पर पूरा भी नहीं जी, वो लाश। अंकल लाश के बारे में फिक्र मत कीजिए, वो लाश चलती से ठिकाने लगा था। लाश मैं ठिकाने लगा दूंगा, डोंट वरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि क्रेज ऑफ द गर्ल्स प्रिंस राकेश ने हमारी रिक्वेस्ट पर मिस लिली के साथ में एक शानदार डांस का आइटम पेश करना मंजूर किया है। मुझे यकीन है कि ये आइटम आप लोगों को हमेशा हमेशा याद रहेगा। कम ऑन गिव देम बिग हैंड्स। Thank you.
होटल में ठहरी हूँ। बाकी आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। इससे पहले मैंने देखिए मिस सीमा, मेरा नाम सीमा है। रात काफी हो चुकी है और मैं बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अपनी औकात तो देखो पहले। राकेश बाबू, मुझे इस तरह जलील मत कीजिए। मैं भी एक लखपति बाप की बेटी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम मेरी बराबरी की नहीं हो। ना सही, फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। चकोरे भी चांद से मोहब्बत करती है, लेकिन चांद तक कभी पहुंच नहीं पाती। आई से आउट। कौन कौन हो तुम? तुम्हारी आरिया। बड़ा घमंड था ना तुझे अपनी दौलत पर। एक ही ठोकर में राकेश ने सारा गुरूर चकाचूर कर दिया। हमेशा उल्टी होती है। उसने मुझे ख्वाब में ठुकराया है। हकीकत में वो मुझे जरूर अपनाएगा। बेवकूफ, ये खूबसूरत बहन और राकेश का हसीन ख्याल अपने दिल से निकाल दे। हरगिज नहीं। मैंने जिंदगी में जो चाहा हासिल किया और राकेश को भी हासिल करके रहूंगी, चाहे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना विश्वास है अपने ऊपर? देख लेते हैं। मॉर्निंग। क्या मैं बैठ सकती हूँ? क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ इन हरे भरे दरख्तों को जो धूप की शिद्दत खुद बर्दाश्त करते हैं और अपनी छाया से दूसरों को आराम पहुंचाते हैं। सुन रहा हूँ चहचहाते हुए परिंदों को जो इन सुनसान वादियों में भी खुशियों के नगमे बिखेर रहे हैं, और सोच रहा हूँ उन खुदगर्ज इंसानों के बारे में जो कुछ देने के बजाय कुछ ना कुछ हासिल करने की फिक्र में रहते हैं, है ना? जी जी हूँ। आपकी खामोशी बता रही है कि आप किसी फिक्र में डूबे हुए हैं। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी वो मैं कल रात की अधूरी बात को पूरा करना चाहती हूँ। यानी आप भी कुछ ना कुछ चाहती हैं? जी वो मैं आपकी रंगीन तबीयत, नेक सेहत से
मुतासिर होकर आपसे मोहब्बत करने लगे हूँ। अब ये क्यों नहीं कहती कि आप मेरी शहरत और बेशुमार दौलत से मोहब्बत करती हैं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी दौलत से नहीं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत का दावा किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता। मुझे कैसे ये मालूम होगा कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं? बेशक, चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। फर्ज कीजिए मैं भी आपसे प्यार करने लगूं, तो आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? मैं आपकी राहों में अपनी आंखें बिछा दूंगी। और मैं आपको अपने मन मंदिर में बिठाकर आपकी पूजा करूंगी। और क्या बोला था? हाँ, मैं आपके लिए अपना घर बार, धन दौलत, माँ बाप सब कुछ छोड़ दूंगी। और मैं आपके एक इशारे पर अपनी जान दे सकती हूँ। वो रहा छोरा, घूम लो। जी सच्ची मोहब्बत का दावा करना जितना आसान है, सबूत देना उतना ही मुश्किल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो सोच क्या रही हैं? आगे बढ़िए। तुम्हारी किस्मत में इतनी हसीन मौत नहीं है। जी मेरा मतलब है तुम्हारी किस्मत में हसीन जिंदगी है। राकेश, साथी है।
राकेश तुम्हारी गले लगकर ऐसा लगा जैसे बेचैन तमन्नाओं को राहत मिल गई। और मैं भी तुम्हें रूह की गहराइयों में छुपा लेना चाहता हूं। राकेश तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना? और तुम? तुम्हें पाना तो मेरी जिंदगी का एक मकसद था। तुम्हारे इतने करीब आने के बाद तुमसे एक पल भी दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। राकेश चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। मगर मम्मी जाकर एक जोरदार पार्टी देंगे। मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन ये आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। ये दूसरी बात है कि दुनिया वालों ने अलग से नाम रख दिया है, वरना आंसू तो आंसू ही होते। और खुशी के मौके पर निकलने वाले आंसू ये याद दिलाते हैं कि हर हंसने वाले को एक दिन रोना भी पड़ता है। जैसे खुशनुमा फूल, इनका आगाज जितना रंगीन होता है अंजाम उतना ही संगीन। हमारी मोहब्बत की इब्तिदा जितनी खूबसूरत है उसकी इंतहा इससे कहीं ज्यादा हसीन होगी। सीमा, जिंदगी एक सफर है और हम दोनों मुसाफिर। हम सफर बनकर रास्ते में अकेला छोड़ तो नहीं दोगे? जीवन साथी बनने के बाद पिछड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ साथ जिंदगी के हर मोड़ पर रास्तों की तरह मुड़ती चली जाऊंगी, लेकिन तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगी। कौन है आप लोग? बच्चे, आपका आशीर्वाद लेने आए।
जीते रहो जीते रहो। सीमा तुम्हें पांच का आशीर्वाद ले लो। कितनी सुंदर लड़की है, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी बहू के सपने देखा करती हूँ। मुझ जैसी और तुम्हारी बहू, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सीमा तुम्हें बड़ों से बातें करने की भी तमीज नहीं। राकेश तुम एक अनजान और दो कौड़ी की बुढ़िया के लिए मेरी इज्जत कर रहे हो। ये बुढ़िया मेरी माँ है, मैं राकेश नहीं कमलेश हूँ। कमलेश, कमलेश बहू गुस्से में कब तक अपने आप को जलाती रहोगी? कल से तुमने कुछ नहीं खाया, लो खा लो बेटी खा लो। रहने दो अपनी हमदर्दी, मैं और तुम लोगों के घर का खाना खाऊं? कभी नहीं। बेटी जो भरी थाली को ठुकराते हैं वो जिंदगी भर ठोकरे खाते हैं। ठोकर वो खाते हैं जो पैदल चलते हैं। रास्ते के पत्थर से ठोकर खाकर जो आदमी गिरता है तो संभल जाता है, मगर जब वक्त ठोकर मारता है तो आदमी का नाम और निशान तक मिट जाता है। नसीहत की कोई जरूरत नहीं, एक बार मुझे यहाँ से निकल के बाहर जाने दो। देखना अगर डैडी से कह के मैंने एक केक को अंदर ना करवा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। हर चीज की एक सीमा होती है, करे जा रहे करे जा रहे तो करे जा रहे, अजीब जबरदस्ती है यार। शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी सीमा नहीं बदली। कैसे बदल जाती, अमेरिका की ठंडी छाव में पलने वाली सीमा गरीबी की कड़ी धूप कैसे बर्दाश्त कर पाती है? कमलेश तुम्हें तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी हसीयत बताने की? मुझे पूरा भरोसा था सीमा दौलत से नहीं मुझसे मोहब्बत करती है, वो मुझे हर रूप में स्वीकार करके। जी हाँ कर ले आना स्वीकार। मैं क्या करता, मेरी आत्मा मुझे झिझोड़ रही थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं, ये धोखा है। ये झूठ है कमलेश, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया बल्कि तुम खुद धोखे में हो। तुम जिसे ड्रामा समझते हो वो एक हकीकत है कमलेश। मैं समझा नहीं। आ मेरे साथ। अंजी चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूं। अरे के बच्चों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने? इसलिए कि आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं। आप जहां खड़े हैं वहीं अच्छे लगते हैं। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं अंकल, मैंने जो कुछ आपसे सीखा है वही आपको लौटा रहा हूं। मतलब ये कि उस दिन बोनस के पेपरों के साथ मैंने एक पेपर ऐसा भी रख दिया था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि आपकी सारी जायदाद का मालिक मैं हूं। शायद आपने बिल्कुल होशोहवास में किए थे, विदाउट एनी प्रेशर। कट्टर जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। छेद तो उसमें था ही। हाँ मैंने एक छोटा सा छेद और करने की तकलीफ जरूर की है। और अगर मैं अपनी जबान को तकलीफ दूं तो तुम फांसी के तख्ते तक पहुंच सकते हो। अपनी जिंदगी चाहते हो तो वो कागजात जो मैंने साइन किए मुझे वापस दे दो। धमकी बुरी नहीं लेकिन आपकी ये गलत फहमी मैं अभी दूर की देता हूं। मिस्टर श्याम प्लीज कम इन। यस सर। मिस्टर श्याम हमने तुम पर गोली चलाई थी, तुम बच कैसे गए? इसलिए कि वो गोली नकली थी। लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल असली थी, इसलिए हमने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। तुम जा सकते हो। धोखेबाज, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। जब अपने दिल पर चोट लगती है तब दूसरे के दर्द का एहसास होता है मिस्टर धनीराम। याद कीजिए आज से ठीक 15 साल पहले मेरी तरह आप सेठ करमचंद के मैनेजर हुआ करते थे। जिस तरह आपने मुझ पर भरोसा किया सेठ करमचंद आप पर भरोसा करते रहे, लेकिन उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर आपने उनकी कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन किया। ये झूठ। ये सच है कि आपने उनकी कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन किया? ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैंने 5 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख का गबन किया। मगर
ये मगर और अगर का इस्तेमाल ना तो मैं करता हूँ और ना ही सुनना पसंद करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के खूनी होते हैं, एक वो जो इंसानों को खून करते हैं और दूसरे इंसानियत का। मिस्टर धनीराम, न जाने आपने कितने भोले भाले इंसानों के अरमानों का खून किया है जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। नहीं नहीं रंजीत, मेरी जायदाद मुझे वापस कर, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूं। मिस्टर धनीराम, जब आपकी डायरी में रहम नाम की कोई चीज नहीं तो मेरी डायरी में कैसे हो सकती है? क्योंकि ये सब तो मैंने आप ही से सीखा है ना? घनी मेरा घर है और यहाँ तुम्हें शराफत से जाना होगा। यहाँ रहेगी मेरी जूती, मैं यहाँ नहीं रहने वाली, समझे? जाने दो मुझे। तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हें भगा कर शादी करके लाया हूँ, समझे? शादी करके लाया हूँ? बड़ा आया शादी वाला, अपना असली रूप छुपा के मुझसे शादी की? अरे ना ही मैं उस शादी को शादी मानती हूँ और ना ही तुम्हें अपना पति। खामोश! ये क्या पागलपन है? बहू तो नादान है लेकिन तू तो अकलमंद है बेटे। मैं ये नादान नहीं है, ये मगरूर है और मैं इसका गुरूर तोड़ना चाहता हूँ। भटके हुए को सही रास्ते पर लाने के लिए मार की नहीं प्यार की जरूरत है। आज तीसरा दिन है उसने कुछ नहीं खाया, मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती बेटे। अगर वह जाना चाहती है तो उसे जाने दे, जाने दे बेटा। मैं इसे सुधारना चाहता था माँ, लेकिन मैं तुम्हारा हुक्म भी नहीं डाल सकता।
तुम जा सकती हो। बेटी, कुटिया हो या महल, पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग है। जब ये बात समझ में आ जाए तो अपने घर वापस आ जाना बेटा। तुम इस घर की बात करते हो, मैं तो तुम्हारे इस गंदे मोहल्ले में पाँव भी नहीं रखूंगी। अगर बस चला ना तो तुम्हारा ये घर, तुम्हारा ये मोहल्ला सब कुछ जला के राख कर दूंगी, समझे? क्या हालत बना रखी है मैंने? तुम लोगों की भी हालत ऐसी कर दोगे, चाहे तो जीने नहीं दोगे तुम लोगों को, समझे? रानी बिटिया, रानी बिटिया, रानी बिटिया। क्या बात है? आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? समय की बहती धारा में सब कुछ बह गया है रानी बिटिया। आपके मैनेजर ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली है और आज इस हवेली पर भी उसी का कब्जा है। कहाँ है वो? ऊपर वाले कमरे में। डैडी कहाँ है? मालिक, डैडी कहाँ है? मैं पूछती हूँ, डैडी कहाँ है? मालिक से ये दुख सहाना गया और उन्होंने आत्महत्या कर। आत्महत्या? डैडी, सुरजीत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी बिटिया, रानी बिटिया ठहरो। घबरा मत, रंजीत की कमजोरी दौलत है और नहीं। कमाल है, मैंने तो सोचा था कि तुम बेसहारा होकर मेरे पास आओगी, रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, मेरे पांव फड़ोगी। मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, एहसान फरामोश कमीने। शट अप! जब तुम्हारे बाप ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए तो तुम्हारे कान पर जूं तक न रहेगी। आज तुम्हारा खून खौलने लगा क्या? इसीलिए कि तुमने फ्रॉड किया है, धोखे से पेपर साइन करवाए हैं। मेरी डैडी की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। ये बात है तो जानेमन मेरा खून करके ये इंजाम अपने सर पर क्यों लेती हो? किसी बैरिस्टर के पास जाओ, कानून का दरवाजा खटखटाओ, मुझे अदालत में बुलवाओ। जरूर बुलाऊंगी, लेकिन तुझसे सबूत हासिल करने के बाद। सबूत? और मुझसे? अपनी खैर मनाओ जाने मन, इस वक्त तो तुम भी मेरे जाल में फंस चुकी हो। मैं फड़फड़ाकर पिंजरे में दम तोड़ने वाली नहीं रंजीत, मैं वो पंछी हूँ जो अपने साथ साथ तुम्हारे जाल को भी ले उड़ूंगी। बहुत नाज है अपने परों पर। चलो ये भी देख लेते हैं। एक तरफ ऐसा बास है जिसके पंजों से आज तक कोई परिंदा नहीं बच सका और दूसरी तरफ एक ऐसी चिड़िया है जिसका दावा है कि वो साथ में जाल भी ले उड़ती है। जरा देखें। ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये? बास। Thank you.
ओहो, ये घंटी चिपक गई है या किसी अनाड़ी की उंगली? अरे सीमा, सीमा, सीमा क्या हुआ? रो तो नहीं रहेगी, बता तो सही क्या हुआ? सुबह तकदीर के चक्के ने मुझे पीस कर रख दिया है। हुआ क्या? एक तरफ हमारी कंपनी के मैनेजर ने सारी जायदाद हड़प कर ली, दूसरी तरफ क्या हुआ? डैडी ने आत्महत्या कर ली। सीमा, ये सब कैसे हो गया? सुमन, सुमन मैं लुट चुकी हूँ, मैं लुट चुकी हूँ सुमन। सीमा, हौसला रख सीमा, हौसला रख। तेरे सर पे बाप का साया ना सही, बहन की मोहब्बत का प्यार भरा आंचल तो है। देख, ये घर तेरा है, इस घर की हर चीज तेरी है सीमा। सुमन, तकदीर ने तो मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन राकेश ने उसने भी मेरे साथ धोखा किया। क्या हुआ? राकेश की शक्ल में वो कमलेश था। मैं ये जानती हूँ सीमा। तुम कैसे जानती हो? जिस दिन तुमने मुझे बताया कि तुम एक करोड़पति के लड़के से शादी करने जा रही हो, मैंने उस मौके का फायदा उठाया और कम को प्रिंस राकेश बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया। इसका मतलब ये हुआ इस ड्रामे में सबसे बड़ा रोल तुमने किया। सीमा, मुझे गलत मत समझ, मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया है कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी दौलत थी और तू राकेश की तरह किसी भी अय्याश अमीर आदमी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। सीमा, कमलेश तुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, तूने उसे शादी की है। धोखेबाज, दोस्ती के पर्दे में तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। सीमा, मैं तर बदर के ठोकरे खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस घर में एक पल नहीं रह सकती। सीमा, जल्दी में किया हुआ हर फैसला गलत होता है। सीमा, मेरी बात तो सुन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हमारा टेंडर पास हो गया, ये लीजिए। दैट्स वेरी गुड। ये सब आप ही के कदमों की बरकत है सर। जिस दिन से आप आए हैं हमारी कंपनी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। नहीं नहीं भाई, ये सब ऊपर वाले का करम और सुमन की मेहरबानी का नतीजा है। क्यों नहीं दिया उस बेचारी ने? फैक्ट्री, घर, गाड़ी, सब कुछ। कमलेश। हाँ सुमन, आओ आओ। आधा बार जाए। आधा। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? बहुत बुरी खबर है कमलेश, अभी अभी सीमा मेरे पास आई थी, वो बहुत मुसीबत में है। सीमा और मुसीबत में? हाँ कमलेश, सीमा की फैक्ट्री के मैनेजर रंजीत ने उनकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अंकल ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओ घाटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। सीमा इस वक्त कहाँ है? मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो रुकी नहीं। मुझे तो डर है कहीं गमों के सैलाब में वो तिनके की तरह बह न जाए। हम रंजीत से बाद में निपटेंगे, पहले सीमा को तलाश करते हैं। चलो चलो। खुद को खुदा समझते रहे थे जो आज तक वो डगमगा रहे हैं सहारों के आस पास। था काम जिनका खेलना मौजों के जोर से डूबे हुए हैं आज किनारों के आस पास। हाँ
कल खुदी पर नाज था जिनको सिकंदर की तरह, कल खुदी पर नाज था जिनको सिकंदर की तरह, आज है वो वक्त की ठोकर में पत्थर की तरह, कल खुदी पर नाज था जिनको सिकंदर की तरह। सकता है जो रस्ते पे हो, जिनको महलों ने वो ठुकराया, कहाँ जाएंगे वो, किसने देखा है भला इस जिंदगी के रंग, किसने समझा है भला इस बेरहम तकदीर को, जिनका सर ऊंचा रहा करता था अंबर की तरह, आज है ठोकर में पत्थर की तरह, कल खुदी पर नाज था जिनको सिकंदर की तरह। हंसते थे वीरानों के खस्ता हाल पर, रो रहे हैं आज वो अंजाम अपना देख कर, जिंदगी के आईने में जब देखेगा कोई अपने ही आमाल की तस्वीर आएगी नजर, कीमती थे कल तलक जो लाल गौहर की तरह, आज है वो वक्त की ठोकर में पत्थर की तरह, कल खुदी पर नाज था जिनको सिकंदर की तरह। Thank you.
बेटा, बहू का कुछ पता चला? नहीं माँ। हेलो कमलेश, सीमा का कुछ पता चला? नहीं, मैंने पूरा शहर छान मारा सुमन, सीमा का कहीं ना पता चला। मैंने भी काफी तलाश किया लेकिन पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। अंदर आ जाओ, घबराओ नहीं, आ जाओ ना, आओ ठहरो। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। लो टावल से पूछ लो, कहीं सर्दी वर्दी लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ राधा, ये मेरे पति की आवाज है, लो इसे पहन लो। कौन है? एक दुखियारी थी बेचारी, बाहर बारिश में भीग रही थी, मैं उसे अंदर लेकर आई हूँ। अरे इस तरह क्यों देख रही हो आप? देख नहीं रहा हूँ राधा, प्रार्थना कर रहा हूँ, हर पति को भगवान करे तुम जैसी पत्नी मिले। सारा दिन घर का काम करती हो, रात रात भर मेरी सेवा करती हो, न सिनेमा देखने का शौक, न किसी चीज की मांग। औरत का सच्चा सिंगार तो उसका सुहाग होता है, घर का काम काज करके या आपकी सेवा करके। मैं कोई नई बात तो नहीं कर रही हूँ, ये तो हर पत्नी का धर्म होता है। बुजुर्गों ने सच कहा है कि औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है। अरे ये क्या हुआ? देखो तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटी? घबराने की कोई बात नहीं, लगता है माँ बनने वाली है। माँ एक ऐसा महान और पवित्र शब्द है जो नारी के कान में अमृत खोल देता है। तुम चिंतित क्यों हो गई? कहीं तुम? नहीं नहीं, मैं कलंकनी नहीं, मैं शादी शुदा हूँ। ये देखिए, शादी हो चुकी तो फिर तुम्हारी ये हालत? गरीब थे। गरीब होना कोई पाप नहीं है, धरती के सीरे से अनाज उगाने वाला, बड़े बड़े कारखाने और मिलों को चलाने वाला, सरहद पर अपने सीने पर गोलियां खाने वाला, औरों के लिए महल बनाकर खुद झोपड़े में रहने वाला, अगर ये गरीब काम करना बंद कर दे दुनिया के सारे कारोबार खत्म हो जाए। रामायण पढ़ी है तुमने? तभी तो तुमसे इतना बड़ा अपराध हो गया है। जानती हो श्री रामचंद्र को जब वनवास हुआ था, सीता जी ने अपना सुख चैन राजपाट सब त्याग दिया पर अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी अनमित मिसालों की वजह से हमारा देश सारी दुनिया में महान कहलाता है। बेटी, मेरा यह सब कुछ कहने का मतलब यह नहीं कि नारी को गुलाम समझा जाए, हमारे शास्त्रों में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। शादी के बाद पत्नी के बिना पति की पूजा भी स्वीकार नहीं होती। अगर ये शिक्षा मुझे पहले मिल गई होती तो मुझसे ये अपराध कभी नहीं होता। जहां आंख खुले वही सवेरा। बेटी, अपनी होने वाले संतान को धर्म की शिक्षा जरूर देना और यहां से सीधा अपने पति के पास जाना और उनसे माफी मांग लेना, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। दिस इज द ओनली सॉल्वेशन। यहाँ से सीधा अपने पति के पास जाना और उनसे माफी मांग लेना, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। दिस इज द ओनली सॉल्वेशन। Thank you.
कौन है? बहू, पवित्र आंसुओं की वर्षा होती तब मन से खुद ब खुद मैल धुल जाता है। तुझे देखने के लिए मेरा मन कब से तड़प रहा था। मां के सीने से लग जा और ममता की आग बुझा दे बेटी। हम कितनी बार ने अपने समझ सके मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मुझे धिक्कारा दी। हमने गले से लगा ली। बच्चों से भूल हो ही जाती है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं कमलेश को समझा लूंगी। नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ वो आपका कहना कभी नहीं डालेंगे, लेकिन मैं अपनी सेवा से उनकी दासी बनकर उनके मन जीतना चाहती हूँ ताकि मेरे पापा का प्रायश्चित हो सके। नहीं नहीं, घर की बहू दासी बनेगी या अनंत मुझसे नहीं देखा जाएगा। आपको मेरी कसम जी, इस राज को राजी रहने दीजिए और आज से मेरे नाम सीमा नहीं लक्ष्मी होगा। आ गया बेटा। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, देख तेरे मालिक आ गए। ये कौन है माँ? घर संभालने वाली, इतना बड़ा घर एक मुझसे संभाला नहीं जाता, इसीलिए से रख लिया। चलो अच्छा क्या होगा। ये क्या कर रही हो? नौकरानी हूँ, अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, तुम्हें तो घर के काम काज के लिए रखा गया, लेकिन ये छोटे काम के लिए नहीं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान के विचार छोटे बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका न दिया तो मैं अपने आप को अभागन समझूंगी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं, कोई भाई बहन कोई भी नहीं। इसका मतलब तुम अकेली हो? जी नहीं, मेरे पति हैं। पति? लेकिन है कहाँ? यही। यही? मेरा मतलब है इसी शहर में है। ओ, तो तुम उनके साथ रहती क्यों नहीं? वो मुझसे रूठे हुए हैं। रूठे हुए हैं, मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वही तो कर रही हूँ। वेरी गुड, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। मां तुम खाना खाने में लगाओ। दबा दो मालिक। ये क्या कर रही हो? क्यों पाप चढ़ा रही हो मुझ पे? पाप नहीं चढ़ा रही, मैं तो पुण्य कमा रही। देखो मैं कोई भगवान हूँ, एक इंसान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ प्लीज प्लीज। कभी जूता कभी पैर,
सर, प्रिंस राकेश आ गए। वेरी गुड। मगर सर, देखो श्याम, ये अगर और मगर का इस्तेमाल ना तो मैं करता हूँ और ना ही मैं सुनना पसंद करता हूँ। आई एम सॉरी सर, मैं ये कह रहा था अगर आपने ये फैक्ट्री बेच दी तो हमारा क्या होगा। डोंट वरी, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। क्या सोच रहे हो? वही कि इंसान को जिंदगी में क्या क्या ड्रामे करना पड़ते हैं। आई एग्री विद यू, वाकई इंसान को जिंदगी में बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मेरा मतलब है, ड्रामा वही कामयाब होता है जिसका स्क्रीन प्ले अच्छा हो। मिस्टर रंजीत, अच्छा स्क्रीन प्ले होने के बावजूद भी ड्रामा नाकामयाब हो जाता है अगर आर्टिस्ट परफेक्ट ना हो तो। देखिए रीटा जी, मैं कोई एक्टर वैक्टर तो हूँ नहीं, एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी फैक्ट्री है जो कि। मिस्टर रंजीत, हर बड़ा आदमी अपने आप को छोटा कहता है, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि आपने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ बना लिया। मेरा मत उम्र जरूर कम है, लेकिन प्रिंस मैंने ओवर टाइम बहुत ज्यादा किया है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने से ये सब कुछ बनाया है। यही तो वजह है मिस्टर रंजीत, जिसकी बदौलत हमें अब तक जाना पड़ा। वो तो ठीक है प्रिंस, इस शहर में और भी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन खास तौर पर आप मेरी ही फैक्ट्री क्यों खरीदना चाहते हैं? नजर ही तो है, मुंतखिब कर ले जिसको, वरना हंसी और भी है, जमा और भी है। ये भी ठीक है, अब तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आप अभी तक सोच रहे हैं? हमने तो आपके लिए सब कुछ तय कर लिया है। क्या? यही कि पसंद हमारी है, की बात आपकी। ये भी ठीक है, जब सब बातें ठीक ही ठीक हो रही हैं, तो मैं भी ठीक ठाक करके सब कागज तैयार करवा लेता हूँ। आप कल आ जाइए। ये ठीक नहीं है, आज हम आपके आए हैं तो कल आप हमारे आइए। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो ठीक 10 बजे कल हम आपका इंतजार करेंगे। हम ठीक 10 बजे आपके वहां पहुंच जाएंगे। ये भी ठीक है। तो बाय।
पिया की निहारे नजरिया हो, कोरे बदन पे है कोरे चुनर दिया, बाट पिया की निहारे नजरिया, आए जो एक बारी बाका सवरिया, जाने ना दूंगी मैं सारी उमरिया, सोने का पिंजरा पिंजरे कब आए? कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि जब आप गा रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये नक्शा निगार, ये दर दीवार सब आपके साथ हमरा गा रहे थे, और जब आप नाच रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी कायनात आपके साथ नाच रही है। रीटा जी, इंद्र सभा का नाम तो सुना था लेकिन आप बस, 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 बस। आप अगर इतनी तारीफ करेंगे तो मैं वाकई हवा में उड़ने लगूंगी, मैं तो यूं ही प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन जारे हीरे की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो हम ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं, लेकिन इस देश के नृत्य संगीत और पोएट्री में जो बात है ना, कहीं नहीं। You're right. एक बात पूछूं आपसे? एक नहीं, दो पूछिए। चलिए दो बातें पूछ लेती हूँ। आप आदमी तो बड़े दिलचस्प हैं, मगर रीठा जी, ये अगर और मगर का इस्तेमाल ना तो मैं करता हूँ और ना ही सुनना पसंद करता हूँ। बहुत खूब, यह अदा आपकी हमें बहुत पसंद आई। माफ कीजिएगा, प्रिंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आप पहले प्रिंस से मिल लीजिए, हमारी बात तो होती ही रहेंगी। श्योर, well done प्रिंस, क्या निशाना है? थैंक यू वेरी मच। मेरा निशाना आज तक चुका नहीं। ये तो ठीक बात है, लेकिन प्रिंस कभी कभी एक अच्छा निशानेबाज भी निशाना बन जाता है। आपने तो शेर सुना होगा, गिरते हैं शेर सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये तो गिरने वाले का हौसला बढ़ाने के लिए किसी शायर ने लिख दिया है, मतलब प्रिंस हकीकत तो ये है, जो गिर गया सो गिर गया। खैर छोड़ो इन बातों को, आई गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू, मैंने फैक्ट्री तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी है। शाम गुड मॉर्निंग प्रिंस। मॉर्निंग प्रिंस, मैंने ये पेपर तैयार करवा दिए हैं, पढ़ लो। मेरा ख्याल है मैंने प्राइस ठीक ही लगाई है। नो प्रॉब्लम। कबूल जी साहब, ये मैम साहब को दे दो। बहुत अच्छे प्रिंस, मेरा ख्याल पेमेंट कैश हो जाए तो बेहतर है। पेमेंट? कैसी पेमेंट? मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, वो अमानत सीमा की थी और सीमा तक पहुंच गई। सीमा? जी हाँ, जिसके यहाँ तुम मैनेजर थे। आई सी, प्रिंस राकेश उर्फ मिस्टर कमलेश, धनी राम जैसे चालाक आदमी को अपनी चालाकी के जाल में फंसाकर उतनी ही मुश्किल से मैंने उसकी दौलत हड़प की है जितनी मुश्किल से तुमने प्रिंस राकेश बनकर सीमा को हासिल किया है। मैं जानता था तुम इधर का रुख भी करोगे, मुझे छेड़कर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। शेर ये भी अच्छा बोल लेती है, लेकिन आपका खुदा ये भी जानता है कि मैंने इनके हवाले जो कागजात किए हैं
सब के सब नकली हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है, आई एम सॉरी। और रीटा जी, मैंने तो आपसे पहले ये कहा था कि ड्रामा वही कामयाब होता है जिसका स्क्रीन प्ले अच्छा होता है, कहा था ना? व्हाट डू यू से? बहुत कुछ हो सकता है। धनी राम जैसे चालाक आदमी को अपनी चालाकी के जाल में फंसाकर उतनी ही मुश्किल से मैंने उसकी दौलत हड़प की है जितनी मुश्किल से तुमने प्रिंस राकेश बनकर सीमा को हासिल किया है। मैं जानता था तुम इधर का रुख भी करोगे। मुझे छेड़कर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। स्क्रीन प्ले इसे कहते हैं मिस्टर रंजीत। Now what do you say? Right? Very smart. ला ये टेप मेरे हवाले कर दो। हवाले तो कर दूंगी लेकिन तुम्हारे नहीं, पुलिस के। नहीं। असर तो हुआ है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक पट्टी ना खुल जाए। पट्टी कब खुलेगी? कल सुबह खुलेगी। थैंक यू सुमन।
थीमा, थीमा तुम? हाँ सुमन, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, लेकिन ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? इसकी वजह भी तुम्हारी दौलत है सीमा, जिसे कमलेश ने रंजीत से वापस लेने की कोशिश की और नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसकी आंखें दौलत 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 के भयानक अंधेरे से निकलकर मैं प्यार की रोशनी में आ गई हूँ सुमन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कमलेश। घबराओ मत सीमा, कमलेश को कुछ नहीं हुआ, लेकिन माची उन्हें नहीं पता वो मंदिर गई थी। ठीक है, तुम कमलेश के पास बैठो, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। माँ जी को मैं संभाल लूंगी। कैसी तबीयत है मालिक? कौन? मैं लक्ष्मी हूँ। माँ भी आई है क्या? नहीं, उन्हें नहीं पता। अच्छा हुआ उन्हें बताना भी नहीं, बेचारी ने जिंदगी भर दुख ही दुख देखे हैं। अगर इस हालत में देखेगी तो मर जाएगी। आखिर माँ है ना। लीजिए दवा ले लीजिए। लेकिन आपकी देखभाल के लिए भी तो कुछ चाहिए। मेरी देखभाल के लिए डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, तुम घर जाओ। डॉक्टर और नर्सेस तो हैं ही, मगर कोई अपना भी तो होना चाहिए। अपना के 4 बजे हैं। तुम अब फिर जाग रही हो? सोने के लिए तो उम्र पड़ी है। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो लक्ष्मी, कितना बदनसीब है वो पति जो तुम जैसे देवी से उठा हुआ है। काश मेरी सीमा भी ऐसी होती। सीमा? हाँ, मेरी पत्नी का नाम है। कितनी मिलती जुलती है हम दोनों की कहानी। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, मेरी पत्नी मुझे ठुकरा कर चली गई। तो पड़ी ना मेरी कहानी सुनकर, कितना नरम दिल है तुम्हारा। मगर सीमा बड़ी संग दिल थी, उसके सामने कमलेश की मौत हुई, लेकिन उसके मगरूर माथे पर दुख की हल्की सी भी लकीर उभरी नहीं। पहले उसे मेरी गरीबी से नफरत थी और अब तो मैं अंधा हो चुका हूँ। काश मैं मर गया होता। भगवान ने मेरा सब बड़ा अन्याय किया है। हाँ लक्ष्मी, सीमा के बगैर मेरा जिंदा रहना मुश्किल है और आंखों के बिना उसे तलाश करना नामुमकिन। लक्ष्मी, लक्ष्मी Oh।
आने की कोई बात नहीं, धीरे धीरे आंखें खोलिए, खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, गुड, हाँ हाँ खोलिए, गुड, वेरी गुड। सुमन, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कमलेश, थैंक गॉड। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कमलेश। थैंक यू। मुबारक हो सुमन। सुमन, लक्ष्मी कहाँ है? वो तुम्हारी आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई है और इस वक्त तक नहीं लौटेगी जब तक उसे ये न पता चल जाए कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। सुमन, फिर तो ये खुशखबरी मैं खुद दूंगा। भगवान, गुनेगार मैं हूं। अगर तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। बेटी, तूने भगवान के चरणों में फूलों के बजाय आंसुओं के अनमोल मोती चढ़ाए हैं। भगवान तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। जय भोलेनाथ।
लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। मालिक, आप देख सकते हैं? हाँ लक्ष्मी, मैं देख सकता हूँ। भगवान ने शायद इसलिए मेरी आंखें लौटाई है कि मैं तुम जैसी देवी के दर्शन कर सकूं। आज मैं तुम्हारी सुलह देखना चाहता हूँ लक्ष्मी। पहले मुझे वचन लीजिए, मेरी सूरत देखने के बाद आप मुझे मेरे पति से मिला देंगे। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ लक्ष्मी, तुम्हारे पति जहां भी होंगे मैं तुम्हें उनसे जरूर मिला दूंगा। तो फिर स्वीकार कीजिए। ये क्या कर रही हो? आपकी चरणों की धूल से अपनी मांग सजा रही हूँ। सीमा तुम? हाँ बदनसीब सीमा, लक्ष्मी के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही थी। मुझे क्षमा कर दो।